चलिए अगला काव्य, त्वं विश्वद्रष्ट्वा सकलै रदस्यो, त्वं विश्वद्रष्ट्वा सकलै रदस्यो, विद्वानशेषं निखलै रवेद्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु, तं विश्वद्रष्ट्वा सकलैरदृश्य, तं विश्वद्रष्ट्वा सकलैरदृश्य, विद्वानशेषं निखलैरवेद्यः, विद्वानशेषं निखलैरवेद्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु, स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु, तं विश्वद्रष्ट्वा सकलैरदृश्य, विद्वानशेषं निखलैरवेद्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। तुम विश्वद्रष्ट्वा, भगवान आप पूरे विश्व को देखने वाले हो, सकलै अदृश्यः, लेकिन सबके द्वारा आप नहीं देखे जाते, विद्वान अशेषम, आप सबको जानते हैं लेकिन निखलै अवेद्यः, सबके द्वारा नहीं जाने जाते। कियान कीदृश, आप कितने हैं और कीदृश यानी कैसे हैं, इति वक्तुम अशक्यः, ये भी कहना समर्थ यानी हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका आप कितने हैं और कैसे हैं ये भी कह सकें। पहले तो कहा था योगी भी नहीं कर पाए, इंद्र भी नहीं कर पाए, मैं करूँगा, अब चौथे काव्य में ही आकर के कह रहे हैं कि भगवान उन्होंने जो कहा था कि हम नहीं कर पाए वो सही थे, क्योंकि आपकी स्तवन करने की सामर्थ्य छदमस्त के बस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। फिर तब स्तुति ततः यानी उसके बाद में भगवान आपकी स्तुति क्या होगी, वो अशक्ति कथा अस्तु यानी हमारी असमर्थता की कहानी हो। छदमस्त जो है सर्वज्ञ की स्तुति करने में समर्थ नहीं हो सकता, भगवान सबको जानते हैं लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता, भगवान सबको देखते हैं लेकिन किसी के द्वारा नहीं दिखलाई देते, और आप कितने हो और कैसे हो ये भी कहना जब संभव नहीं है तो फिर हमारी स्तुति क्या होगी, वो सब हमारी छदमस्त की असमर्थता की कहानी हो। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अपनी लघुता को चौथे काव्य में ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो अनंत है उसकी स्तुति छदमस्त के द्वारा संभव नहीं है। दो गुणों के बारे में यहाँ पर भगवान के बतलाया है, वो गुण अपने में भी होते हैं,
एक है दर्शन और एक है ज्ञान, वो उनके पूर्ण प्रकट हो चुके हैं अपने पास में। उन जैसे एक बार बताया था कि भगवान की जो संपत्ति है उन्होंने प्रकट कर ली है और अपनी संपत्ति जो है वो ढकी हुई है। जैसे कोई धनी सेठ मरण को प्राप्त हो गया और उस समय में लड़का जो है छोटा था तो सारी जायदाद को राजसात कर लिया गया, उसको भत्ता दिया जाता है। तो ऐसे भत्ते के रूप में अपने लिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, चक्षु अचक्षु दर्शन जो हैं वो भत्ते के रूप में मिले हैं, और अपन पुरुषार्थ करके उस अपनी जो केवल ज्ञान संपदा है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो वो जो अपने पास में है अभी वो भत्ते के रूप में क्या है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो उनके लिए अपन यहाँ पर एक होता है दर्शन, जो कि सामान्य प्रतिभास कराने वाला होता है। कोई भी चीज़ को अपन जब जानने का पुरुषार्थ करते हैं पांचों इंद्रियों के विषयों से, जब अपन उनको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो उस समय में उनका सामान्य प्रतिभास होता है और फिर उसके बाद में विशेष रूप से अपन उनको जानते हैं। तो जहाँ सामान्य प्रतिभास होता है वो कहलाता है दर्शन, और उसके बाद में जब विशेषता से जानते हैं तो वो होता है ज्ञान। छद्मस्थ जो होते हैं उनका ये क्रम पूर्वक होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, और जो सर्वज्ञ होते हैं उनका दोनों युगपत होते हैं, उनका दर्शन और ज्ञान। जैसे इसमें कहा कि भगवान आप सबको देखते हो सबको जानते हो, तो यहाँ देखने का अर्थ, दर्शन का अर्थ आँखों से देखना नहीं, अपन अपनी सारी इंद्रियों के माध्यम से सामान्य प्रतिभास करते हैं फिर उसके बाद में विशेष रूप से जानते हैं। हमारा आत्मा का उपयोग इन पदार्थों को ग्रहण करने के लिए बाहर जाता है, और उसके बारे में आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 5-6 गाथाएं दी हैं, उसमें उनका वर्णन किया है। वहाँ पर वो कह रहे हैं असुहो सुहो ए फास नतम भण दिफास मंति सो चेव नए दिपिण गह दुम फास विषय मागदम फासम काय विषय मागदम फासम। यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे स्पर्श अशुभ हो चाहे शुभ हो, वो आपसे नहीं कहता कि हमको छुओ, लेकिन फिर भी उनको ग्रहण करने के लिए अपना उपयोग जो है बाहर जाता है, अपन स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। ऐसी पांचों इंद्रियों के बारे में उन्होंने कहा कि रसना इंद्री के विषय, घ्राण इंद्री के विषय, कर्ण इंद्री के विषय और चक्षु इंद्री के विषय जो होते हैं वो कभी नहीं कहते कि तुम मुझे ग्रहण करो, लेकिन फिर भी अपना उपयोग अपन उसकी ओर दौड़ाते हैं। तो उसमें स्पर्शन इंद्री के 8 विषय होते हैं, हल्का भारी, ठंडा गरम, चिकना कड़ा और रूखा नरम। उनको अपन जब ग्रहण करते हैं तो उस समय में एक सामान्य प्रतिभास होता है, उसमें विशेष जानकारी नहीं रहती, एक सामान्य। जैसे आचार्य समझाते हैं कि जैसे जब फोटो खींचते थे पुराने समय में तो एक नेगेटिव आउटलाइन जैसी दिखाई देती थी और बाद में पॉजिटिव में सब कुछ स्पष्ट होता था, तो ऐसा अपना इंद्रियों के माध्यम से, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से भी। नैनागिर में जब आचार्य, बहुत पहले की बात है, 80 के आसपास की बात है, और कहते हैं उस समय में कि वहाँ पर इतने सर्प थे कि चाहे जहाँ लटकते दिखाई देते थे, और ऐसे समय में आचार्य ने वहाँ पर चातुर्मास किया था और कहा था साधुओं से, क्योंकि आचार्य तो जिस फलक पर रात में बैठ जाते हैं शाम के समय में फिर सुबह तक उठते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे साधु रात में लघु शंका आदि के लिए जाते हैं, तो कह रखा था कि बड़े सावधानी से जाना, लौटना, दरवाजे आदि बंद करते समय में ध्यान रखना, क्योंकि यदि कोई
दब जाएगा फिर वो जो है प्रतिकार अवश्य करेगा। और उसमें कई साधुओं के लिए सामायिक में बैठे हैं और बगल से जो है सर्प जो है उनके नाभि के पास चढ़ गया है। पहले तो सामान्य प्रतिभास हुआ होगा, फिर विशेष रूप से वहाँ पर समझ में आया होगा। ऐसी भी स्थिति उस समय में रही थी, साधना उनकी उस समय में इस प्रकार से होती थी। बर्णी जी एक पंच कल्याणक में गए हुए थे और शाम को राजसभा लगी, वहाँ पर उनका प्रवचन हुआ और प्रवचन के बाद में जा कर के शयन किया। सुबह उठे, सुबह उठ कर के सामायिक करते थे, तो सामायिक करते समय में आवर्त करके बैठे और हाथ पर हाथ रखा। अब हाथ पर हाथ रखा तो उसमें अंगूठी का जो नग था वो वहाँ पर नहीं था, तो कांटे थोड़े से चुभे, थोड़ा सा स्पर्श हुआ, यानी सामान्य प्रतिभास हुआ। और फिर उसके बाद में विशेष तो कि आज इसका जो है नग यहाँ पर नहीं है। हीरे की अंगूठी पहनते थे वो, तो वो जो है हीरे की अंगूठी का नग गिर गया। सामायिक कर रहे हैं, अब उस समय सोचा कि 500 रुपए का था उस जमाने में, और चला गया, गिर गया, मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने सोचा कि सामायिक जो होती है आर्त रोद परित्यागस तद्धि सामायिक मतम, यानी आर्त ध्यान रोद ध्यान से ऊपर उठ करके धर्म ध्यान करने के लिए सामायिक की जाती है। अब ये आर्त ध्यान रोद ध्यान करेंगे, तो फिर उन्होंने विचार किया कि परिग्रह का तो स्वरूप ही ऐसा है कि आता है तो दुख देता है और जाता है तो दुख देता है। फिर उन्होंने अपने भावों को संभाल करके सामायिक की, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भैया इसकी घोषणा करवा दो कि यदि किसी को मिले और देने की भावना हो तो दे सकता है, नहीं देने की भावना हो तो 500 रुपए से कम में ना बेचे। यानी वो 500 का है, कोई ठग नहीं ले, कई बार लोग ठगा जाते हैं। और एक लड़का जो है लेकर के आ गया और उसने जो है देने लगा, तो बर्णी जी ने पूछा तुम्हारे लेने के भाव नहीं हुए इसको? कहले हुए थे, लेकिन क्या करें, जब हमने इसको उठाया तब एक और लड़का आ गया, उसने देख लिया, अब तो मजबूरी हो गई। फिर उस लड़के ने कहा कि आप व्रति हो, त्यागी हो, ये आपको शोभा नहीं देता। और उस समय में एक चमेली का तेल आता था, वो भी बड़ा खर्च वाला कार्य उनका था, इतना तेल लगाते थे वो कि उसमें एक व्यक्ति पूरा भोजन कर सकता, उतना तेल का खर्च एक दिन का उनका था। छीनों जवाई बड़ी धनाढ्य थी और वो जो है उनकी सारी जो है मांगे पूरी करती थी, तो उसके कारण में ऐसी स्थिति थी। तो उसने कह दिया कि आप ये सुगंधित तेल लगाते हैं और ये हीरे की अंगूठी पहनते हैं, ये आपको क्या शोभा देता है? तो उस समय में बर्डी जी ने कहा ते तो मेरा गुरु है, गुस्सा नहीं हुए और उस समय में उन्होंने उस तेल को भी त्याग कर दिया और वो अंगूठी जो थी उसका हीरा भी कहीं दान के लिए दे दिया। लेकिन यहाँ अपन जिस बात को चल रहे हैं कि वो स्पर्श जब प्रारंभ में जो होता है वो उस समय में अपन स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से भी सामान्य प्रतिभास करते हैं और फिर विशेष प्रतिभास होता है। रसना इंद्रिय के मारे में भी ऐसे ही होता है, रसना इंद्रिय के माध्यम से अपन भोजन करते समय में वहाँ पर जो रस लेते हैं उस रस लेने के पहले भी उसका सामान्य प्रतिभास होता है और उसके बाद में विशेष उसका ज्ञान होता है। कई कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, पुराने जमाने में थिएटर वगैरह में लोग जो है मूंगफली खाते थे और खाते खाते कड़वी मुंह में चली जाती थी तो थूकने लगते थे, तो उस समय में पहले थोड़ा सा जो इसका लगता है फिर बाद में विशेष ज्ञान होता है। एक दामाद साहब आए थे ससुराल में और गर्मी का समय था, छत पर सोना था, उनके लिए रात्रि में दूध पेश किया गया और उन्होंने कहा कि बाद में पी लेंगे। वहीं पर पास में एक कुछ ऊँचा स्थान था, वहाँ पर उसको रख दिया और सो गए। रात को 12-1 बजे नींद खुली, उन्हें याद आया कि अरे दूध रखा था, पीना है।
और उन्होंने दूध को लगाया गिलास को और मुंह के अंदर ले गए, और उस समय उनको ऐसा लगा, सामान्य प्रतिभास हुआ कि कुछ मोटी सी चीज है, तो उन्होंने सोचा कि मलाई होगी, और उसको उन्होंने अंदर धसे रहने धक्का देने की कोशिश की, और उस समय में वो जो है वहाँ पर उसने डंक मारा, वो गले के अंदर जो है डंक मारा, और वो उस समय में जब बाहर निकाल करके देखा तो वो बर्र था, बरैया होती ना वो थी, और उसने डंक जो है कंठ पर मारा और कंठ उसमें जो है सूज गया और श्वास अवरुद्ध होने के कारण उनका निधन हो गया। लेकिन यहाँ जो विषय ले रहे हैं अपन कि रसना इंद्रिय के माध्यम से भी जो सामान्य प्रतिभास होता है, विशेष प्रतिभास होता है, इसके बाद में घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय से भी आप लोग कभी कभी, अभी एक दिन छत पर ही कह रहे थे कि कुछ स्मेल आ रही है, फिर कहाँ रहे नहीं, ये तो ये है गैस की स्मेल आ रही है, तो गैस की स्मेल भी आती है, कभी कभी घर में कुछ बनाते हैं तो वो जलने लगता है, तो उसकी भी जो है पहले सामान्य सा लगता है फिर बाद में स्पष्ट होता है, कभी कभी पल्लू आदि में भी आग लग जाती है और बाद में उसकी स्मेल वो देखते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ भी जो है इससे टल जाती हैं, लेकिन कई बार जो है बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये भी जो है उसमें कि पहले अपन जो है सामान्य प्रतिभास करते हैं, और कई लोगों की क्षमता होती है बहुत जल्दी जो पकड़ लेते हैं, दूसरों के घर में जाकर के भी बता देंगे, वो घर वालों को मालूम नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसी जो है अपना अपना क्षुभसम रहता है, उसके माध्यम से अपनी घ्राण इंद्रिय के माध्यम से भी अपन सामान्य प्रतिभास जिसको दर्शन कहते हैं उसको, और उसके बाद में विशेष प्रतिभास होता है। फिर इसके बाद में चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से भी अपन एक जैसा पहले कह ही दिया है कि जैसे फोटो में आउटलाइन होती है उसके बाद में विशेष रूप से जानते हैं, वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से भी सामान्य और विशेष इस प्रकार से होता है। अभी इसमें जो है स्पर्श रसना इंद्रिय के बारे में कि पाँच जो हैं रस होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपरा, लेकिन इसमें खारा नहीं है। क्यों नहीं है खारा? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसायला है, चरपरा है, लेकिन खारा इसमें रस में नहीं लिया है। आप जो छह रस होते हैं, सात दिनों के सात रस होते हैं, उसमें नमक का त्याग करते वो अलग हैं, लेकिन मुख्य में तो पांच रस बताए हैं। किसी भी पदार्थ में पांच रस होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। क्यों ऐसा क्यों? खाने योग्य नहीं, लेकिन उसका स्वाद तो आता है उसमें, इसलिए, लेकिन वो इसका ये उत्तर नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि नमक जो है ना सामान्य है, खारापन जो है वो सामान्य है। आप देखोगे यदि आप कोई फ्रूट्स को लेकर के देखोगे उसमें कितना साल्ट है तो बता देगा इसमें इतना नमक है, हर चीज़ में नमक रहता है, तो एक सामान्य है। और दूसरा जो है नमक को मीठे के अंतर्गत लिया जाता है। आप लोगों को शायद मालूम हो कि गुजरात में तो नमक को मीठू ही बोलते हैं, वहाँ पे नमक का नाम मीठू है, और बुंदेलखंड में वहाँ पर मीठी चीज़ में भी नमक डाला जाता है। वो कहते हैं जब तक मीठी चीज़ में भी वहाँ पर नमक नहीं डालो तो वो स्वादिष्ट नहीं लगती, यानी नमक जो है उसके मीठेपन को एक मनोहर रूप में प्रस्तुत करने वाला होता है। एक इसका नाम बुंदेलखंड में एक और चलता है नॉन, नमक को बोलते हैं नॉन, के लिए जब तक जो है नॉन ना हो तब तक नॉनो नहीं लगतो, यानी अच्छा लगता है जब नमक डलता है, तो जो है रस को बढ़ाने वाला होता है, मीठे रस को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए भी इसको जो है मीठे के अंतर्गत गर्भित किया गया है। अब इसके बाद में आखिरी जो कर्ण इंद्रिय है उसमें भी अपन सामान्य प्रतिभास करते हैं, दर्शन होता है, फिर उसके बाद में विशेष रूप से जानते हैं। कल ही एक विषय आया था कि कुछ चीज़ें जो हैं आवाज़ आती रहती है, अपन ध्यान नहीं देते, वो अव्यक्त रहती हैं फिर व्यक्त होती हैं। वैसे तो ये अव्यक्त व्यक्त जो है वो अवग्रह ईहा आदि के लिए कारण बनता है, अव्यक्त होता है तो ईहा आदि नहीं होती, व्यक्त होता है तो ईहा आदि होती, यानी इच्छा होती है कि आगे क्या है। तो ऐसे जो है कान के माध्यम से भी सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, यानी जिसको कि ज्ञान कहते हैं, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है।
एक ज्वेलर्स के यहाँ पर कोई महिला कुछ खरीदने के लिए आई और उसने दिखाए और दिखाने के बाद में उसने महसूस किया कि कोई चीज़ जो है गायब हो गई है और उसने अपने यहाँ पर ज्वेलर्स लोग ने जो अपने पास में जो है लेडीज़ सर्वेंट भी रखते हैं कि उनकी जो है चेक करने के लिए, तो उसने उसके माध्यम से पूरा उसको जो है कपड़े आदि सब चेक करवा लिए लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। फिर उनको लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलवाया और पत्नी के माध्यम से भी चेक करवाया लेकिन वो चीज़ हाथ में नहीं आई। अब वो जो महिला जिसके ऊपर शक कर रहे थे उसकी चेक कर रहे थे वो बोलने लगी, हम लोग अच्छे परिवार से हैं और आप हम पर शक करते हैं। जब वो बोलने लगी तो वो जो ज्वेलर्स को ऐसा लगा कि इसकी आवाज़ में कुछ परिवर्तन है और वो समझ गए, उन्होंने कहा जरा मुंह खोलना, और जब मुंह खुलवाया तो मुंह के अंदर वो रखी हुई चीज़ पकड़ी गई। तो इन्हें कान में जो शब्दों के माध्यम से उसमें पहले सामान्य प्रतिभास उसके लगा और विशेष प्रतिभास के माध्यम से कि इसके पहले के शब्दों में कुछ अंतर आ गया है उसके माध्यम से वो वहाँ पर ज्ञान किया। तो ऐसे पांच इंद्री के जो विषय होते हैं उनमें अपने सबके पहले जो सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास होता है वो सामान्य प्रतिभास दर्शन कहलाता है और विशेष प्रतिभास जो होता है वो ज्ञान कहलाता है। वो अपना अभी सीमित है लेकिन भगवान का असीमित होता है, वो सब कुछ देखते हैं सब कुछ जानते हैं। एक रायचंद जी हुए हैं, उनको एक साथ में 100 चीज़ों को कोई कर रहा हो वो सब 100 चीज़ों को एक बार में जो है अपना विषय बना लेते थे। उनको एक अंग्रेज जज ने जब ये दृश्य देखा तो उनको साक्षात सरस्वती से सम्मानित किया था, यानी सम्मान को साक्षात सरस्वती हैं ऐसा उनको सम्मानित किया था। तो ये ज्ञान का किसी में प्रकर्ष हो जाता है और जब पूरी तरह से कर्मों को नष्ट कर लेते हैं तो उस समय में केवल ज्ञान को भी यानी चार घातीय कर्मों में जो है नष्ट करके अरहत पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आप सब कुछ देखते हो सब कुछ जानते हो लेकिन सारे संसार के प्राणी ना आपको देख सकते हैं ना आपको जान सकते हैं क्योंकि हम लोगों की सामर्थ्य केवल रूपी पदार्थ को ग्रहण करने की है और वो भी जो सामने सामने हो उन्हीं को हम ग्रहण कर सकते हैं और हमारे पास में आप कितने हो कैसे हो ये भी कहना संभव नहीं है। फिर हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं, वो स्तुति हमारी छद्मस्तों की असमर्थता की कहानी ही होगी। ऐसा कहकर के इन्होंने इस काव्य में अपनी लघुता को स्वीकार किया है। अब इसके बाद में भगवान की स्तुति करेंगे लेकिन यहाँ पर अपनी लघुता को स्वीकार किया। भक्ति जो होती है वो लघुता से ही प्रारंभ होती है। जो अपने आप को कुछ मानता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जब अपने आप को सूक्ष्म स्वीकार करते हैं भगवान की विराटता को स्वीकार करते हैं तभी भक्ति का उद्घाटन होता है। तो इस काव्य में जैसा भाव है उस भाव को अपन संस्कृत में पुनः पढ़ लेते हैं। तं विश्वद्रस्वा सकलैरदृश्य विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः। स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। एक रिसर्च में अपन अपनी पांचों इंद्रियों को कितना प्रयोग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपन अपने नेत्रों का प्रयोग करते हैं। 83% पूरे जी दिन भर जो देखें 83% जो है नेत्रों का प्रयोग होता है। जिस रसना इंद्री के लिए भी लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं भोजन के लिए उसका केवल 1% काम में आता है 24 घंटे में। और स्पर्शन इंद्री उसके लिए भी वस्त्र हैं एसी है कूलर है इन सब के लिए लगे रहते हैं तो उसमें केवल 1.5% जो है स्पर्शन इंद्री का प्रयोग होता है। घ्राण इंद्री का 3.5% और कर्ण इंद्री का 11% जो है दिन भर में
प्रयोग होता है। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नेत्रों के माध्यम से होता है। इसलिए जो श्रीमद् राजचंद जी ने लिखा उसमें उनके कि ध्यान के समय में सुबह सुबह उठकर क्या ध्यान करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा पाप का अर्जन नेत्र इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो उसमें अपने को बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भविष्य का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला सर्वज्ञ सर्वदर्शी पर जग के हो अगोचर कितने हो कह सकता क्या कोई नर असमर्थता ही मेरी प्रभु स्तुति की माला भविष्य का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार